चारधाम यात्रा शुरू हो चुकी है और यात्रा में यात्रियों को किसी भी तरह की स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। इसी कड़ी में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चार धाम यात्रा मार्गों पर HPE कंपनी के CSR के तहत प्रदान किए गए 50 हेल्थ ATM का लोकार्पण किया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 50 हेल्थ ATM का लोकार्पण किया। CM धामी ने कहा कि राज्य में स्थापित हुए हेल्थ ATM के माध्यम से अभी तक 1700 लोग अपना स्वास्थ्य परीक्षण करवा चुके हैं और लोगों को इससे काफी लाभ मिल रहा है। ये हेल्थ ATM उत्तराखंड राज्य में तीर्थयात्रियों को उनकी चार धाम यात्रा के दौरान टेलीमेडिसिन सेवाएं प्रदान करने के लिए वन स्टॉप डिजिटल टच पॉइंट एकीकृत मशीनें होंगी। ये क्लाउड सक्षम हेल्थ कियोस्क विभिन्न स्थानों पर स्थापित किए गए हैं, जहाँ तीर्थयात्री केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री के चार हिमालयन तीर्थ स्थलों की तीर्थयात्रा के दौरान आमतौर पर विश्राम लेते हैं। इन स्वास्थ्य कियोस्कों का मुख्य उद्देश्य दूर दराज के क्षेत्रों में तीर्थयात्रियों तथा जनता की यात्रा के दौरान प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा तक उनकी पहुँच को आसान बनाना है। मध्य प्रदेश की महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के उद्देश्य से संवेदनशील मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का उपहार सभी पात्र महिलाओं को दिया गया है। इसके तहत उन्हें प्रतिमाह 1000 रूपए दिए जाएंगे। ये राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंचाई जाएगी। योजना की प्रक्रिया बेहद सरल और निःशुल्क है। योजना से जुड़ने के लिए बहनों को कहीं भटकने की आवश्यकता भी नहीं है। 10 जून को पहली किस्त बहनों के खाते में आ जाएगी, 1000 रुपया की पहली किस्त। योजना से जुड़ी अधिक जानकारी हेल्पलाइन नंबर 07552700800 एवं वेबसाइट cmlaadlibehna.mp.gov.in पर प्राप्त की जा सकती है। बढ़ चलो लाडली बहना। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज़ आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।